भारत शनिवार को कनाडा को टक्कर देगी। बता दें कि मैच फ्लोरिडा के लोडर हिल में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए न्यूयॉर्क से रवाना हो गई है। गौरतलब है कि भारतीय टीम चार स्पिनर्स के साथ टी20 विश्व कप का 2024 में खेल रही है। टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर पीयूष चावला ने इसके बारे में चर्चा करते हुए बताया कि न्यूयॉर्क में स्पिनर्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब वेस्टइंडीज में मैच होंगे, हमारे यहाँ स्पिनर्स रोल में आएंगे। अगर ईमानदारी से कहूँ तो प्लेइंग 11 में एक ही स्पिनर होगा। ऐसी स्थिति में कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। बता दें कि टीम इंडिया कनाडा के खिलाफ फ्लोरिडा में प्रदर्शन करेगी। इसके बाद वह सुपर आज का अपना पहला मैच बारमा डोज में खेलेगी। यह मैच 20 जून को होना निर्धारित हुआ है। इसके बाद भारत एंटीगुआ में 22 जून को मैच खेलेगी। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना 24 जून को होगा और यह मैच सेंट लूसिया में खेला जाएगा। मजे की बात तो यह है कि टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल त्रिनिदाद में है और दूसरा सेमीफाइनल गुयाना में खेला जाएगा। इसके बाद मैच बारवा डोज में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस मैच के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पहले ही स्पिनर्स को लेकर काफी उत्साहित और कॉन्फिडेंस थे। उन्होंने टीम में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा को रखा है और देखा जाए तो ये चारों काफी अनुभवी और दमदार गेंदबाज हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं। चहल और कुलदीप का मैच के प्रति काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है।